कोरोना के चलते जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जनधन खातों में भी पैसे जमा करवाए हैं। इसकी सूचना मिलते ही बाड़मेर के बैंकों में खाता धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की। इसी के साथ बैंक के आगे पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। घोषणा किए थे जो कोविड कंपनसेशन 500 रुपये जो 1000 रुपीज़ जो भी है वो अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। उसको पेमेंट लेने के लिए सब भीड़ आ गया है। पुलिस व्यवस्था ने अरेंज किया है। हम लोग सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए लगातार सहयोग की कोशिश कर रही है। ऐसे में ही सरकार द्वारा जो पेंशन की राशि है वो खातों में डाल दी गई है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो पेंशनधारी है या अन्य जो लोग हैं वो बैंकों के आगे भीड़ जमा करे बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पुलिस पहुँची है और लोगों को सोशल डिस्टेंस में रहने की अपील की है और लोगों को लगातार सोशल डिस्टेंस रखकर यहाँ खड़े रहने की अपील भी करी और पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर लगातार तैनात है। उसके बाद जो बैंक के अधिकारी है, बैंक मैनेजर है, उन्होंने भी आमजन से अपील की है कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही अपने घरों से यहाँ बैंकों में आएँ, इसके अलावा छोटे मोटे काम के लिए अपने घरों में रहे। वहीं सरकार भी लगातार लोगों से अपील भी इसी प्रकार की ही कर रही है। अशोक सेरा, बाड़मेर।